Hello dear student, today we discuss factor multiples, factor to common factor to HCF, highest common factor. In this way, multiples, common multiples and LCM, lowest common multiples, step by step. Discuss करेंगे. Let us start now. Factors. Factors means which number divisible. मतलब divide करने से कोई remainder नहीं रहेगा. मान लीजिए 12, 2, 6 are 12, 2, 3 are 6. आगे नहीं आएगा. 3 इज प्राइम नंबर. तो 12 का फैक्टर क्या बन जाएगा? फैक्टर ऑफ 12 इज 1. सबका कॉमन फैक्टर आता है तो 1 हो जाएगा. नेक्स्ट आ जाएगा 2, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद 2 into 2, 2 2 जा 4 आ जाएगा, फिर 2 3 जा 6, फिर तीनों गुण करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. ये हो गया 12 का फैक्टर. क्या बता दीजिए? नो रिमाइंडर. नो रिमाइंडर क्या चीज है? जी 12 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 1 से तो आंसर एग्जैक्टली आ जाएगा 12. नो रिमाइंडर. 12 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 6 जा 12, आंसर आ जाएगा 6. नो रिमाइंडर. 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12. नो रिमाइंडर. 12 डिवाइडेड बाय 6 2 6 2 जा 12. नो रिमाइंडर. 12 डिवाइडेड बाय 12 12 1 जा 12. नो रिमाइंडर. तो इन एनी केस दे आर no remainders. जितना भी डिवाइड किया किसी में कोई रिमाइंडर नहीं है. रिमाइंडर तो नहीं है मतलब रिमाइंडर ही जीरो. तो रिमाइंडर जब जीरो हो जाता है तो आप उसी नंबर को बोलते हैं फैक्टर्स. उसके बाद आता है कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स. कॉमन मतलब जो उभय जगह में रहेगा. जैसे 12 का अपना फैक्टर जो था क्या था? 1 था, 2 था, 3, 4, 6 और 12. अभी 15 का फैक्टर निकालेंगे. 3 5 जा 15. तो 15 का फैक्टर बन जाएगा 1 3 5 15. तब इसमें भी है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, बाकी कोई नहीं. तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर. ये दोनों हो गया कॉमन फैक्टर. तब ऐसा आप लोग लिख सकते कॉमन
कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 15 इज वन एंड थ्री. वन एंड थ्री इज कॉमन. ये कॉमन के आगे फिर ये दो कॉमन है, वन भी कॉमन है और थ्री भी कॉमन है, तो उसमें फिर हाईएस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, सबसे बड़ा फैक्टर इसमें हाईएस्ट हो जाएगा ये जो हाईएस्ट हो जाएगा, हाईएस्ट. और हम लोग दूसरी नाम भी बोल सकते ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो थ्री इज हो जाएगा हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15 इज कौन हो जाएगा, थ्री. थ्री हो जाएगा. तो थ्री अर्थात एलसीएम बोलते एच सी एफ. तो एच सी एफ हो गया थ्री. एच सी एफ के हम दूसरा नाम भी बोलते कि जी सी एफ भी बोलते ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी इधर क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा. तो दोनों सेम है. और एच सी एफ बोलेंगे तो जी सी एफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इधर थ्री. तो क्या हो गया ये फैक्टर्स, उसके बाद आ जाएगा कॉमन फैक्टर्स, उसके बाद आ जाएगा तो फैक्टर्स आएगा कॉमन, कॉमन कॉमन फैक्टर्स, उसके बाद आ जाएगा उससे कॉमन फैक्टर्स में अब छोटा बड़ा रहेगा तो उसमें आ जाएगा हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा. तो अब एस नहीं होगा, कॉमन फैक्टर्स एक से अधिक हो सकता होता इसीलिए एस इधर दिया. और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स मतलब ओनली वन हो जाएगा, तब वो एस इधर नहीं आएगा. इसको हम लोग दूसरा नाम में भी बोल सकते ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते एच सी एफ, इसको बोलेंगे तो जी सी एफ. दोनों सेम है, सेम. इधर हाईएस्ट के लिए एच दिया है, इधर ग्रेटेस्ट के लिए जी दिया है. अभी प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स. वन इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ईच नंबर. तो वन हो गया सब स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर, कोई भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर हो गया वन. और एवरी नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इट सेल्फ. जैसा 12 का हम लोग फैक्टर बनाया था अभी, तो 12 में वन कॉमन फैक्टर, वन हो गया सबसे छोटा फैक्टर. जैसा 12 का फैक्टर क्या क्या आया था, वन टू
थ्री फोर सिक्स ट्वेल्व, उसमें सबसे वन वन सबसे क्या होगा स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट फैक्टर हो गया, और ये ट्वेल्व क्या हो गया सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर हो गया, ट्वेल्व हो गया ग्रेटेस्ट, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर हो गया और वन सबसे छोटा फैक्टर, ए है हुआ प्रॉपर्टी। तो वन इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ईच नंबर, एवरी नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। फैक्टर हमेशा नंबर से इक्वल और छोटा होता है, इसलिए लिखा है कि एनी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। तो ये 12, 12 का जितना भी फैक्टर है 12 के बराबर है, इक्वल एंड लेस, ये हो गया, ये हो गया इक्वल, इक्वल और यहां से ये हो गया लेस, मतलब 12 के बराबर 12 हो गया एंड 6 इज लेस देन 12, 4 इज लेस देन 12, 3 इज लेस देन 12, 2 इज लेस देन 12, 1 इज लेस देन 12। तो ये प्रॉपर्टीज हम लोग क्या लिखा, जे फैक्टर इज लेस देन और इक्वल देन द नंबर, तो एनी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। नेक्स्ट क्या है, एवरी नंबर हैज एटलीस्ट टू फैक्टर्स, टू तो रहेगा, ये वन रहेगा एंड सबसे जो नंबर वो खुद रहेगा, तो ये इसमें क्या आता है जैसा सेवन इलेवन, ये प्राइम नंबर सेवन, सेवन में क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा ओनली वन एंड सेवन, कहें सेवन इज प्राइम नंबर, इलेवन इलेवन इज प्राइम नंबर, तो इसमें फैक्टर क्या हो जाएगा वन एंड इलेवन, थर्टीन थर्टीन इज प्राइम नंबर, जितना भी प्राइम नंबर होता है उसमें सेवनटीन सेवनटीन प्राइम नंबर, तो वन एंड सेवनटीन, तो एटलीस्ट टू 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 फैक्टर तो रहेगा ही, टू फैक्टर कोई भी नंबर का टू फैक्टर एक्सेप्ट वन, वन का क्या होता है वन का सिर्फ वन ही फैक्टर होता है, तो बाकी वन छोड़ के जितना भी नंबर है सबका एटलीस्ट टू फैक्टर रहेगा ही। नेक्स्ट, फैक्टर ऑफ ए नंबर डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली, एग्जैक्टली मतलब विदाउट एनी रिमाइंडर, विथ विदाउट विदाउट हो जाएगा विदाउट 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 एनी रिमाइंडर, तो उसको कैसे दिखाएंगे जी रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं है, जैसे 15 15 से 5 से डिवाइड करेंगे 5, तो 5 3 जा 15 देयर इज नो रिमाइंडर, द रिमाइंडर इज 0, तो हम लोग क्या बोल सकते ये 3 5 से डिवाइड हो गया तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ 15, क्यों देयर इज नो रिमाइंडर। नेक्स्ट, नेक्स्ट मल्टीपल्स, मल्टीपल्स से फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स के मध्य जो लोएस्ट लोएस्ट कॉमन
इधर एस नहीं लिखा, इधर एस लिखा था, इधर भी एस लिखा था। मल्टीपल्स बहुत हो सकता है, कॉमन मल्टीपल्स भी एक से अधिक हो सकता है, लेकिन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स ओनली वन होएगा। तो इधर एस नहीं है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते LCM। LCM बहुत ही मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हर जगह उसका यूज होता है। तो मल्टीपल्स से कॉमन मल्टीपल्स, फिर उसमें सबसे छोटा कौन सा मल्टीपल्स है उसको बोलेंगे LCM। सिक्स नंबर लिया, तो सिक्स का मल्टीपल्स क्या आ जाएगा, मल्टीपल्स हमेशा गुना होता है, सिक्स इंटू वन सिक्स, सिक्स इंटू टू ट्वेल्व, सिक्स इंटू थ्री एटीन, सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर। तो ये क्या हो जाता है, ये और भी ऐसा तरीका से बोल सकते, ऐसा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर। इधर जो दिखाया है तो ओसीएम तक चलते रहेगा, इधर कोई एंड नहीं है। तो ये सिक्स, अगर सिक्स को इधर सिक्स ठीक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स के बाद फिर इधर आ जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, दूसरी मल्टीपल्स आ जाएगा। फिर अगेन सिक्स गिनेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सॉरी ट्वेल्व सॉरी इधर फोर्टीन नहीं है सॉरी, तो इसीलिए फाइव हो रहा, सिक्स तो होना चाहिए। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये हो गया एटीन, हो गया सिक्स का मल्टीपल। अगेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अभी अगर मान लीजिए मैं थ्री को पकड़ा, तो वन टू थ्री, तो थ्री का नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा आएगा, थ्री का नेक्स्ट मल्टीपल फिर सिक्स आएगा, वन टू थ्री। फिर नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा आएगा, वन टू थ्री नाइन आ जाएगा, फिर वन टू थ्री, फिर नेक्स्ट आ जाएगा ट्वेल्व, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, फिर वन टू थ्री फिफ्टीन आ जाएगा, फिर वन टू थ्री फिर एटीन आ जाएगा, फिर वन टू थ्री ट्वेंटी वन आ जाएगा, फिर वन टू थ्री ट्वेंटी फोर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो टेबल ओनली टेबल, तब हम लोग इधर तो सिक्स का जो मल्टीपल लिखा था वो क्या क्या था, सिक्स ट्वेंटी फोर, ऐसा ओसीएम चलते रहेगा इन्फिनिटी, इसका कोई अंत नहीं होता है इन्फिनिटी। अभी थ्री, थ्री का क्या है, थ्री इधर सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर, ऐसा ओसीएम चलते रहेगा ये भी। तो मल्टीपल्स को भी खत्म नहीं होता है, साल दो साल तीन साल जितना भी गुना करते रहेंगे कभी खत्म नहीं होता है। ये हो गया मल्टीपल्स। अभी अगर सिक्स और थ्री का कॉमन मल्टीपल्स में आएंगे, तो इसमें कॉमन कौन सा हो गया, इधर सिक्स और सिक्स कॉमन है, उसके बाद ट्वेल्व ट्वेल्व और ट्वेल्व ये भी कॉमन है, उसके बाद एटीन एटीन से तो एटीन कॉमन है, और बढ़ाएंगे तो और भी धीरे धीरे मैच होगा। तो अभी लिख सकते कॉमन कॉमन मल्टीपल
of 6 and 3 are 6, 12, 18. इधर 24 भी है, इधर भी 24 है, इधर भी 24 है, 24. तो एक कॉमन में सबसे छोटा भी कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा हो गया 6. ये हो गया लोएस्ट कॉमन फैक्टर. ये हो गया 6. तले ऐसा हम लोग बोल सकते हैं 6 इज द लोएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6 and 3. तो जो हम लोग एलसीएम करते हैं, एलसीएम माने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एस नहीं होगा, काहे कि इसमें ओनली वन आएगा, तो क्या हो जाएगा 6. तो एलसीएम ऑफ 6 and 3 इज 6. मतलब अवर मल्टीपल्स क्या होता है, जो टेबल में ही आता है, गुना होकर ही जाता है, टेबल में जो नंबर आता है वो सब. अभी रिलेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स करेंगे. आई मान लीजिए 12 का वो हो गया था लेस, इस 1, 2, 3, 4, 6, 12. ये क्या हो गया था, माने ये 12 से लेस और इक्वल हो गया था, लेस और इक्वल. और ये क्या हो जाए, ऊपर में चला जाएगा, ये ऊपर में 12 से ही शुरू होगा, ये 12 में एंड हुआ था, 12 में एंड, ये 12 में एंड हुआ था, और ये 12 में क्या होगा, स्टार्ट होगा, 12 में स्टार्ट शुरुआत होगा. तो 12 के आगे फिर जितना भी गुना करेंगे 24, 36 ऐसा चलते रहेगा. तो ये हो गया फैक्टर. तो एक तो हो गया, एक हो गया इक्वल, इक्वल से शुरू हुआ, इक्वल और ग्रेटर, इक्वल और ग्रेटर. तब ये 12 का जो फैक्टर 12 से नीचे हुआ, 12 से शुरू हुआ और उसका नीचे हुआ, और मल्टीपल्स के 12 से शुरू होकर के धीरे धीरे बढ़ते गया असीम तक. तो ये हो जाता है ये रिलेशन बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. अभी मल्टीपल्स का प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1. तो 1 का प्रत्येक नंबर मल्टीपल, मतलब 1 का जैसे 1 से 3 तो 3 हो जाएगा, 1 से 4 गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा. तो 1 तो गुना करेंगे 3 का, 1 से 4 का 1 से 5. तो कोई भी नंबर 12 के अंदर भी 1 है तो 1 से 13 के अंदर भी 1 है, 15 के अंदर भी 1 है, 1 से 1 का टेबल में सब आएगा. तो 12 1 या 12 हो जाएगा,
थर्टीन वन जा थर्टीन हो जाएगा, फिफ्टीन वन जा फिफ्टीन हो जाएगा, ट्वेंटी वन जा ट्वेंटी हो जाएगा। तो ये वन तो हमेशा ही गुण कर सकते, गुना कर सकते। तो वन एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ वन, तो वन का कोई भी नंबर मल्टीपल हो जाता है। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जैसे ट्वेल्व, ट्वेल्व तो अपना खुद का मल्टीपल है, तो वन से गुना करेंगे तो द मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज इक्वल और ग्रेटर देन द नंबर। तो इससे ट्वेल्व का ट्वेल्व हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा ट्वेंटी फोर, तो थर्टी सिक्स, इधर चलते रहेगा। तो ये ट्वेल्व का इक्वल हुआ और ग्रेटर, ये इक्वल हो गया, इक्वल हो गया, और यहां से ये हो गया ग्रेटर, ग्रेटर। तो ये हो गया इक्वल साइन दिया और ग्रेटर बड़ा, और ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय द होल नंबर। तो ये इसका मीनिंग क्या हो गया, जे कोई भी नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा टू, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, ऐसा ओसीम चलते रहेगा। तो ये हो गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय द नंबर वी गेट द मल्टीपल। तो ये टू फाइव जा टेन, ऐसा ओसीम चलते रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये जितना भी हो गया ये मल्टीपल ऑफ टू। तो ऐसा लिख सकते कि द मल्टीपल्स ऑफ टू इज हो जाएगा, टू हो जाएगा, फोर हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, एट हो जाएगा, ट्वेल्व हो जाएगा, टेन ट्वेल्व, ऐसा ओसीम चलते रहेगा, ऐसा चलते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसमें टू का मल्टीपल में और एक आ जाता है, टू का जितना भी मल्टीपल होता है वो होता है इवन नंबर, इवन इवन नंबर। और टू का जो मल्टीपल नहीं होगा, जैसा थ्री फाइव सेवन नाइन, ये हो जाएगा सब ऑड नंबर। ये इवेंट नंबर, इवेंट नंबर टू का मल्टीपल होगा, और जो टू का मल्टीपल नहीं होगा वो हो जाएगा ऑड नंबर। तो अभी हम लोग जितना भी सीखा उसका समरी में क्या आया, एक मिनट में बोल देते जी। फैक्टर और इधर मल्टीपल, उससे निकला कॉमन, कॉमन फैक्टर्स, इससे निकला कॉमन मल्टीपल्स, फैक्टर और इधर से इधर आता है एलसीएम, खूबी काम में आता है एलसीएम। इधर आएगा हाइस्ट, एचसीएफ, और दूसरी भी नाम बोल सकते जीसीएफ। तो एच हाइस्ट, हाइस्ट कॉमन फैक्टर, दूसरी नाम होता है ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, इधर हो जाएगा लोएस्ट कॉमन
मल्टीपल्स। अभी ये एलसीएम और एचसीएफ से एक फॉर्मूला आता है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, इज इक्वल टू एल सी एम इंटू एच सी एफ। तो इसमें चार में कोई भी एक नंबर अननोन रहेगा उसमें हम लोग निकाल सकते। तो फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, एल सी एम इंटू एच सी एफ डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर। ठीक सिमिलरली सेकेंड नंबर कैसे निकालेंगे, एल सी एम इंटू एच सी एफ डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, तीसरा आ जाएगा एल सी एम कैसे निकालेंगे, एल सी एम निकालेंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय एच सी एफ। ठीक इधर अगर एच सी एफ हो जाएगा चौथा हो जाएगा, इधर एच सी एफ इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा एल सी एम एल सी एम। ये चार फॉर्मूला रहता है। मान लीजिए नंबर है टू और सिक्स, तो टू सिक्स का जो गुना होगा, टू सिक्स का गुना करेंगे तो उसका भी एल सी एम एल सी एम जो निकलेगा और एच सी एफ दोनों बराबर।